दोस्तों इंस्टाग्राम आजकल कौन यूज नहीं करता, मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं क्योंकि फेसबुक और इंस्टा सभी के डिवाइस में बाय डिफॉल्ट अब आ रहा है इंस्टॉल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ सर्च करके देख रहे हो लाइक वीडियो फोटोज या कोई भी रील्स, मतलब कुछ भी हो, अगर आप चाहे वो गलत चीज़ देख रहे हो या सही चीज़ देख रहे हो, बट आपका फैमिली का फोकस आपके ऊपर है कि आप क्या क्या चीज़ अपने सोशल मीडिया पे सर्च करते हो। तो अभी तक तो हम फेसबुक के वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री को इजीली एक वन क्लिक के अंदर उसको क्लियर कर सकते थे, बट इंस्टा पे ऐसा ऑप्शन था ही नहीं, और था तो काफ़ी लोग उस फीचर से अनजान थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने इंस्टाग्राम पर सर्च किए गए एक्टिविटीज़ को डिलीट कर सकते हो। चलिए जान लेते हैं, उससे पहले चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर लाइक टारगेट रखूंगा बस 100 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट और न्यू अपडेट सिखाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो विदाउट एनी डिले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इंस्टाग्राम को अपडेट करके ओपन करेंगे, एंड ओपन करने के बाद ऊपर 3 लाइन पे टैप करेंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना होगा, एंड अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन, इस पर क्लिक करेंगे, एंड अब यहाँ पे देखेंगे तो सर्च हिस्ट्री आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करना है, एंड यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है 30 डेज, यानी 30 डेज ऑटोमेटिकली सारे सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर देगा। बट आप सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा लेट कर रहा, थोड़ा पहले करना था, तो वो चीज अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेट कर सकते हो, जैसा कि 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जितना आप जल्दी इसको हटाना चाहते हो तो उस अपने अकॉर्डिंग उस ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लो। 3 दिन सेलेक्ट करोगे तो और 3 दिन बाद ये सारे सर्च किए गए एक्टिविटीज़ यानी हिस्ट्री और डिलीट हो जाएगी, इंस्टा खुद डिलीट कर देगा, आपको मैनुअली डिलीट करने के लिए जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक करता रहेगा। तो बस आप सेटिंग्स को ऑन करो और सबमिट करो, उसके बाद आपका काम सक्सेसफुल हो चुका है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।